हाय फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम। 10 बज चुके हैं, थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया, बट डोंट वरी, आपके गणेश सर यहाँ पे पहुंच चुके हैं ऑन द अनअकैडमी 11 12 प्लेटफॉर्म टू मेक मैथ्स मैजिकल। यस बच्चों, प्रारंभ सीरीज का आगाज हो चुका है, कंटिन्यूटी खत्म हो चुका है और डेरिवेटिव्स इस सब सेक्शन पे है। हम लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं, राइट? और हमने ये नया अल्गोरिदम, ये नया मॉडल इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, एंड आई थिंक काफी सारे लोगों को हेल्प हुआ है। यस, थैंक यू दक्षता, आर्या, पूजा, रामजी, डॉक्टर गर्ल, अंकित, तनीश, वेलकम एवरीवन, सम्यक, ध्वनि, शुभम, तनीश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेलकम गाइज। लाली इज ऑल्सो देयर, फंटास्टिक। उद्देश्य, बहुत बढ़िया, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हाई मोनालिशा, वेलकम गाइज। फटाफट लाइक का बटन हिट करते जाइए एंड स्प्रेड द वर्ड एज मच एज पॉसिबल सो दैट वी कैन किक स्टार्ट टुडेस सेशन। यस गाइज, द कैलकुलस क्रैकर इज द फर्स्ट हेडलाइनिंग एक्ट ऑफ द प्रारंभ सीरीज बच्चों, राइट? और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज प्रारंभ सीरीज का 5वां सेशन है, करेक्ट? कंटिन्यूटी के 3 सेशन हुए थे, कंसेप्ट, टेक्निक and quiz, correct? That is the algorithm that we are following. Every chunk that we are going to learn, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्रारंभ सीरीज में, इस कैलकुलस क्रैकर में, for that matter इसके बाद भी हम लोग इस algorithm से पढ़ेंगे, that every concept will have a 3 session series, right? जिसमें सबसे पहले session में हम लोग concept पढ़ेंगे उस particular subtopic के ऊपर, जैसे हमने derivatives 1.0, राइट, डेरिवेटिव्स 1.0 ये सबसेक्शन का नाम है, राइट? और इसका कंसेप्ट सेशन हमने कल किया, ऑल्दो हमें ऐसा लगा कि यार सारे कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं हो पाए जो भी हमने डिसाइड किए थे, बट कोई बात नहीं, विल ट्राई एंड एडजस्ट अ बिट ऑफ इट टुडे एंड अ बिट ऑफ इट इन डेरिवेटिव्स 2.0, राइट? सो यस गाइज, सो क्विकली, आज पिकनिक सेशन है, मतलब आज हम बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, कंसिडरिंग how the papers have been इससे पहले, and most importantly considering how the CBSE 2021 sample paper has come out, right guys? तो जो paper आया हुआ है उसको मद्देनजर ये session बहुत important होने वाला है, so let's get started guys, let's get started. मेरा नाम गणेश पवार, BTech M.Tech from IIT Bombay with 10 plus years of teaching experience. I hope कि ये सारा experience जो है आपको level up करने में बहुत काम आएगा। Hey guys, ये Unacademy Class 11, 12 YouTube channel का official Telegram group है, फटाफट इस group से जुड़ जाइए, so that you can get regular updates and notifications of all the live videos that are going to come on this channel. मतलब आपके favorite educators जो भी videos लेके आ रहे हैं, जो भी sessions ले रहे हैं, आप लोग miss out नहीं करोगे। और अगर आपको लगता है सर ये बहुत बड़ा group होगा, हाँ जी ये बहुत बड़ा group है, but इस पे बहुत सारे लोग बहुत सारी spamming करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे this is basically a no chat no spam group, only admins basically हम लोग educators ही यहाँ पे post कर सकते हैं, right? तो आपको regular notifications updates मिल जाएंगे, तो फटाफट जुड़ जाइए इस ग्रुप से। और प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में तो क्या कहने बच्चों, प्लस प्लेटफॉर्म इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन टू टेक योर बोर्ड प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल। काफी सारे बच्चे इस बारे में मेरे साथ बात करते रहते हैं, काफी सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन जो ले रहे हैं, दिस इज द क्रूशियल जंक्चर गाइज, कीप दिस इन माइंड। जीपी लाइव ये कोड यूज करें, 10% मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा आपको। आप लोगों के लिए बेस्ट आइडियल इज द 6 month सब्सक्रिप्शन, दैट इज व्हाट वी विल रिकमेंड, बट यू कैन टेक द 3 month सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। These are their price points. Why I am recommending the 6 month subscription? क्योंकि per month cost बहुत कम है relatively as compared to the 3 month. और CBSE का exam कब होने वाला है इसकी guarantee नहीं है, right? So it is safe to have this amazing subscription at this amazing reasonable cost. Right guys, plus subscription के features क्या हैं? क्यों plus subscription आपको मदद करेगा, किस तरीके से वो platform engaging है, you know, क्यों 95 अगर आपका score आने वाला था तो क्यों plus के वजह से 96, 97 या 98 आ रहा है, ये features मैं towards the end बताऊंगा। तो अगर आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाने का तरीका, तो you know, और plus platform पे बहुत ज्यादा depth में हम लोग जाएंगे, उसके बारे में हम end में बात करेंगे, but plus platform पे अभी चल क्या रहा है। प्लस प्लेटफॉर्म पे अभी मेरे 2 अमेजिंग कोर्सेज शुरू होने वाले हैं बच्चों। आज है 10 तारीख और जैसे आप देख पा रहे हो नवंबर 12, मतलब परसों से रिवाइज बैच, दिस इज द रिवाइज बैच, ठीक है? ऑल्दो इसका नाम रिवाइज है, बट यहाँ पे हर एक चैप्टर में फुल डेप्थ और फुल क्लैरिटी में पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मैंने अपने ओरिजिनल बैचेस को पढ़ाया था, राइट? और फास्ट ट्रैक करके हफ्ते में मैं 4 सेशंस ले रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू
कंप्लीट सील द डील ऑफ दिस सिलेबस बाय जनवरी मिड, अगर नहीं तो थोड़ा बहुत लेट, बट हम लोग पूरे डेप्थ में जाएंगे, सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे और इस पर्टिकुलर बैच में हम चैप्टर 1 से चैप्टर 13 पूरा स्टार्ट टू एंड पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म हो चुका है लास्ट मंथ के टुवर्ड्स द एंड, तो आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो राइट। बट परसों से मीटर से डिटरमिनेंट शुरू हो रहा है एंड वहां से गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी टिल प्रोबेबिलिटी, तो और देर मत कीजिएगा, फटाफट प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा इफ यू फील कि यू नो भले ही सारे नहीं, बट अगर आपको लगता है कि सर 5-6 चैप्टर्स ऐसे हैं पूरे सिलेबस में जो उतना पकड़ नहीं है, दिस बैच इज मेंट फॉर यू बच्चों, दिस बैच इज मेंट फॉर यू, तो आप ये बैच अटेंड करके वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यू नो वो यू नो मुझे अचानक से गठबंधन ये नाम याद आ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आईपीएल फाइनल भी चल रहा है बट वहां पे बिहार में पोल्स भी चल रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट द रिजल्ट्स आर, बट दिस बेसिकली इज द यू नो द थिंग टू यू नो सील द डील, आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीशन ये बैच कराएगा। बट दैट इज नॉट ऑल, द दूसरा बैच दैट इज गोइंग ऑन इज द टॉपर्स बैच। अगर आपको लगता है कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अब मुझे ना 100 का टारगेट करना है, दिस बैच इज फॉर यू बच्चों, द टॉपर्स बैच फॉर साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन। मैथ्स का नवंबर कोर्स रिलीज हो चुका है और वो नवंबर 16th से स्टार्ट होगा। ये बैच जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलने वाला है, MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। दिस इज अ बैच विच विल गो ऑन फॉर ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे, तो हफ्ते में 7 दिन क्लासेस होने वाले हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे। एंड द इनक्रेडिबल थिंग इज कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप ये दोनों बैचेस अटेंड कर सकते हो, मतलब जो भी चैप्टर्स आपके पक्के नहीं हुए रिवाइज बैच में पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है कि एक चैप्टर पक्का है तो आप सिर्फ टॉपर्स बैच अटेंड कीजिए, और टॉपर्स बैच में भी हम शुरू से शुरू करने वाले हैं, एक बार एक्सप्लोर कर लो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, यू विल अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड दीज कोर्सेज आर बच्चों राइट। ये हमारा विजन बोर्ड है, दिस विजन बोर्ड हैज quite a lot of students get the right direction towards scoring 100 on 100, wo confidence dilane mein ye vision board kaam aata hai, ye vision board hum log not only the entire math syllabus but every chapter mein bhi hum lagate hain, every concept mein bhi lagate hain, and this is the vision board that exactly tells us that first take a concept session, then elevate yourselves by doing you know past year questions or expected questions, problem solving skills apne enhance kijiye, maybe kuch miscellaneous, maybe kuch exemplar ke questions, kyunki kafi sare questions bachcho exemplar aur miscellaneous se bhi aate hain agar aapne notice kiya ho to, and towards the end hum ek quiz session lete hain jahan pe hame pata chalta hai ki agar koi googly feki gayi ya kuch ek you know particular type ka problem pucha gaya to kya hum usse deal kar sakte hain, and that exactly we saw in the continuity quiz session, aur yahi same cheez main parso dekh चाहता हूं बच्चों, क्योंकि कल एक दिन का मैं गैप देने वाला हूं और परसों जो है इस डेरिवेटिव्स 1.0 का क्विज होने वाला है, एंड आई वांट टू सी इज देयर एनीवन हु इज गोइंग टू टेक 3 stars और मोर इन द लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम परसों। यस गाइस, तो क्या सब लोग रेडी हैं? फटाफट लेट्स बिगिन टुडे सेशन गाइस। हेलो रमनदीप, यस आनंद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर्षित वेलकम गाइस, कांसेप्ट सेशन हो चुका है और आज बारी है पिकनिक सेशन की। यस session is basically past year questions and most expected questions. Let's kick start guys. Yes, तो कल हमने ये content के बारे में बात किया था, yesterday we talked about the content. Derivatives 1.0 में ये सारी concepts होंगे, 2.0 में ये दो concepts MVT और Rolle's theorem है नहीं, but ये जो concept है logarithmic differentiation, ये दोनों चीजों में होगा, derivatives 1.0 में भी 2.0 में भी, because ये काफी critical और important concept है, काफी questions इस पे पूछे जाते हैं, तो I would like to you know discuss about this in both the derivatives as you know sections 1.0 and 2.0. so let's kick start guys. yahan pe humne differentiability ko pehle samjha tha, basic idea liya tha, bola tha ki yaar you know ek point hai point p jo fixed point hai, theek hai, is point ko point p fixed point bola gaya tha, theek hai, aur wo jo dusra point aapko dikh raha hai na isko variable point bola gaya tha, matlab ye point move hote ja raha hai, ये पॉइंट जो है मूव होते जा रहा है, और जैसे वो मूव होता जा रहा है राइट, वो मूव होता जा रहा है, जैसे वो पॉइंट क्यू पास आते जा रहा है, पॉइंट क्यू के द कनेक्टिंग सेगमेंट पी क्यू
you know, the slope of that secant gradually becomes the slope of the tangent at point P. और ये सारा detail understanding हमने कल यहाँ पे लिया था, starting from the slope idea, right? But from the exam point of view, let's understand what all is important. ये तो differentiability का core है, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे limit वाला formula, you know, y2 minus y1 upon x2 minus x1 करके ये निकाला. Yes, guys, and then we had the general formula of method of first principles. जिससे कि हमने हमने ये कहा कि हम ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं ना. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दीज डिराइव्ड फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स. जैसे आप टॉप में देख पा रहे हो फ्यू डेरिवेटिव्स दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन ग्रेड 11, ठीक है? तो ये सारे जो बच्चे ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं बच्चों, ये सारे के सारे मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से और लिमिट्स के बेसिक आइडियाज लगाने से राइट आ जाते हैं. क्लियर गाइज? राइट, तो ये भी एक आइडिया है जिसके बारे में डेरिवेटिव्स 2.0 में थोड़ी सी बात करूंगा. लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकता है, ऑल्दो उसके आने के चांसेस रिलेटिवली कम है, तो मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में अभी के लिए नहीं जाऊंगा. लेट्स क्विकली ट्राई एंड यू नो जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज. यस गाइज, सबको यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज दिख रहे हैं क्लियर है, राइट? एक और फॉर्मूला मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, विच इज द फॉर्मूला फॉर यू नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो हमने कल नहीं पढ़ा था बट आज उस पर पढ़ेंगे. बहुत इजी है, e raise to x का डेरिवेटिव e raise to x ही है, राइट? और फॉर दैट मैटर उसके साथ ही साथ किसी ने कल a raise to x का डेरिवेटिव पूछा था, इनकेस अगर आपको नहीं पता तो a raise to x का डेरिवेटिव a raise to x ln a होता है, राइट? यहाँ भी e raise to x का डेरिवेटिव e raise to x ln e होता है, बट ln e तो 1 है ना भाई, तो ln e लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? तो अगर सबको क्लियर है ये सारे फॉर्मूले तो थम्स अप इन द चैट बॉक्स गाइस, क्योंकि इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे फटाफट. कम ऑन गाइस, राइट? यस यस यस, ऑसम, फैंटास्टिक वर्क, गुड 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 टू सी, गुड टू सी दैट पॉजिटिव रिस्पांस इन द चैट बॉक्स गाइस. कम ऑन, लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो प्रोडक्ट रूल, ठीक है, फिर क्वोशेंट रूल, ये काफी बेसिक रूल्स हैं जो डिफरेंशिएशन करने में काफी मदद करते हैं. बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया. और उसके बाद हमने देखा कि यार इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के एक दो प्रॉब्लम्स हमने किए थे, आज हम और करने वाले हैं, ठीक है? उसका स्टैंडर्ड अल्गोरिथम ये है कि भाई आग बंद करके डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो. स्टेप वन जैसे आप देख पा रहे हो, as you can see, step one, differentiate with respect to x straight away. Collect dy by dx terms together and then isolate dy by dx, क्योंकि वही तो आपको ढूंढना है. तो आज भी कुछ प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे. ऊपर आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देख पा रहे हो बच्चों, ठीक है, उसको भी हम आज थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो लेट्स, दीज आर द फ्यू प्रॉब्लम्स जहां पे हमने बेसिक डेरिवेटिव्स को अप्लाई किया था. आई होप सबको याद है, हर एक प्रॉब्लम में हमने कुछ ना कुछ सीखा था. जैसे ये प्रॉब्लम में हमने सीखा था कि यार किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये जानना, ये देखना बेहद जरूरी है. और यहां पे df by dr माने यू आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन कैपिटल f विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है? और इसका मतलब यहां पे जो r square है that is the running variable, so that behaves like x square which goes up becomes x raised to minus 2. और इसीलिए ये पेज पे हमने यहां पे जैसे आप देख पा रहे हो x raised to minus 2 का डेरिवेटिव लाने की कोशिश की थी विद रिस्पेक्ट टू x, सो बेसिकली x के जगह r डाल दो, आंसर अकॉर्डिंगली आ जाएगा, which came out to be this, जो सबसे नीचे आप यहां पे देख पा रहे हो. यस गाइस, ऑसम ऑसम. फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि भाई कॉन्स्टेंट्स को ध्यान से देखना, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, राइट गाइज? फिर उसके बाद हमने इस प्रॉब्लम में प्रोडक्ट रूल लगाया था और ये भी देखा था कि डेरिवेट करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद आप x का एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल के एफ डैश ऑफ दैट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट पूछ सकते हो और उससे बहुत इजीली एक मार्क का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, राइट गाइज? तो उसके बाद देन केम चेन रूल, राइट? एंड चेन रूल इज समथिंग विच विल बी quite a lot expected in your examinations. Yes guys, so I hope sab logo ko ek basic idea lag gaya hai chain rule ke bare mein. Maine kafi jagah pe wo ek particular algorithm use karane ki koshish ki thi. Sin x ka derivative is cos x, right? But yahan pe x nahi hai, है ना? sin x का derivative is cos x, but यहाँ पे x नहीं है, ठीक है? तो पहले sin x के जगह cos x लिखो और x के जगह x square minus 5 लिख दो, क्योंकि x नहीं है, x square minus 5 है, तो वो x square minus 5 का जो chain है वो तोड़ना जरूरी है और इसीलिए chain rule से आप x square minus 5 को भी differentiate करोगे, ठीक है? यहाँ पे बस एक chain है, time के अंदर एक chain है x square minus 5, उसको तोड़ा, but gradually, ठीक है, ग्रेजुअली वी सॉ कि यार और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं. यस गाइस, यस, फटाफट
Awesome. Yes, तो sec of tan of root x, यहाँ पे दो चेन्स है ठीक है। तो पहले अगर मान लो tan of root x की जगह x होता तो sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x ठीक है। तो ये अल्गोरिदम, ये फीलिंग, ये एप्लीकेशन कनेक्ट करने की कोशिश करो बच्चों। अब क्योंकि x नहीं है, tan root x है, यहाँ पे भी tan root x आएगा, यहाँ पे भी tan root x आएगा, बट क्योंकि वो x नहीं है, टैन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना बेहद जरूरी है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन रूट एक्स, वहां से अगली गाड़ी शुरू होती है, अगला चेन शुरू होता है। ये तो आंसर में आ गया, सेक टैन रूट एक्स एंड टैन रूट एक्स, फिर टैन रूट एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है ठीक है। अगर आप टैन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपका आंसर क्या है, sec square x, tan x को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपका डेरिवेटिव है sec square x, बट आप tan x को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, आप tan root x को differentiate कर रहे हो, तो sec square root x आएगा, but क्योंकि x नहीं है, root x है, chain rule, दूसरा chain तोड़ने के लिए root x को भी differentiate करना पड़ेगा, जिसका value 1 upon 2 root x है, correct? क्योंकि root x is considered as x raised to half, और x raised to n का derivative जो है, x raised to n का derivative जो है, n, x raised to n minus 1 आएगा, जिसको simplify करके आप clearly देख सकते हो, that answer is 1 upon 2 root x, an important derivative that you should remember. Yes guys, यहां तक अगर सब clear है, तो फटाफट thumbs up in the chat box, come on guys, yes. Awesome, awesome, come on, come on, come on, everyone let's focus, come on. अच्छा, आई रिमेम्बर यू, आई रिमेम्बर यू, यस, यू आर द सेम अगली पर्सनैलिटी दैट वॉज देयर दैट डे एज वेल, सो यू आर नॉट अ स्टूडेंट अगेन, यू आर समवन हु डजंट, हु इज बेसिकली सिंपली जेलस ऑफ मी, विच इज फाइन, दैट जस्ट बेसिकली मीन्स कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं और लोगों को मदद भी हो रही है, एंड दैट क्लियरली शोज इन द चैट बॉक्स, फैंटास्टिक वर्क गाइज, राइट। उसके बाद हमने ये प्रॉब्लम भी किया, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था, यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली ये थी कि 4 कॉन्स्टेंट है तो उसको चुपचाप बाहर रखो, फिर cos square को डिफरेंशिएट करना, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास नहीं है, x square का डेरिवेटिव 2x है, तो इस पूरे चीज को हमने x square की तरह देखा, जिसका डेरिवेटिव 2x है, और फिर क्योंकि वो x नहीं है, cos of 2x cube है, चेन रूल लगा, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बट वो x नहीं है 2x cube, तो उसको डिफरेंशिएट किया, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूड टिल वी गेट द फाइनल आंसर। यस गाइज, So now, let's kick start today with this problem. ये problem मैंने कल homework के लिए दिया था, देखते हैं फटाफट chat box में इसका answer कौन दे पाता है, come on guys, quickly, 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 कौन? Cot x का derivative क्या है, what is the derivative of cot x, I'll just write that here, we know that, याद रखने के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि यार हमें sec x और tan x, इनके derivatives बहुत easily याद रह जाते हैं, correct? tan x का डेरिवेटिव sec square x है, तो cot x का डेरिवेटिव cosec square x है, बट विद अ माइनस साइन। अगर ये चीज आपको याद है, अगर ये चीज आपको याद है, तो आप बहुत इजीली इस चीज का आंसर लिख सकते हो, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec square x, तो cot of x का डेरिवेटिव माइनस cosec square x के जगह पे अभी क्या लिखोगे, x square plus 1, अब क्योंकि वो x नहीं है, x square plus 1 है, you will have to apply the chain rule guys, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, right, you will have to apply the chain rule, and now the answer becomes very easy, this is 2x, so minus 2x into cosec square x plus 1, yes guys, everyone clear with the idea, everyone clear with the logic, come on, yes, option B is the correct answer, बहुत बढ़िया, fantastic work Monalisha, Anand, Amit, Sai Sankalp, Harshit, Fatima, fantastic work, बहुत ही बढ़िया, Surendra, yes, Nilu, I'm going from bottom to up, but very good guys, जिसने भी B लिखा है, बहुत बढ़िया, Rohan, Yadav, Pooja Agarwal, Udipan, Shreya Dwivedi, Vipul Kumar, Akanksh, fantastic work, all of you, I'm really sorry अगर किसी का नाम miss out हो गया हो, तो Nilu Banwal, बहुत बढ़िया, Harshit Saxena, Vidushi, Lali, नेहा, ध्वनि, रोहन, जागृति, फंटास्टिक वर्क ऑल ऑफ यू गाइस, दक्षता, रमनदीप, रामजी, फंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड, यस बच्चों, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज अ पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम, एज यू कैन सी, एक मार्क का प्रॉब्लम है, बस एक मार्क का प्रॉब्लम है, बट डूएबल है, अगर चेन रूल क्लियर है तो आप ये प्रॉब्लम कर सकते हो बच्चों, इन केस अगर आपको लॉग एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता, ऑल्दो हमने वो पेज पे लिख दिया था सारी चीजें, ठीक है, इन केस अगर आपको लॉग एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता, तो आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर, log of x का डेरिवेटिव इज 1 upon x, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव आपको पता है, e raise to x का डेरिवेटिव भी आपको पता है, बट मैं फिर भी यहां लिख देता हूं,
इन केस अगर आपको जरूरत पड़े उस चीज की, तो ठीक है। कम ऑन गाइज एवरीवन, राइट, फटाफट एक मार्क का क्वेश्चन है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां पे आपको हल्का फुल्का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये एमसीक्यू नहीं है बच्चों, राइट, एमसीक्यू नहीं है, तो आपको आंसर सही से दिखाना पड़ेगा। जो नए बच्चे हैं, वेलकम गाइज, वेलकम आफान, बहुत बढ़िया, वेलकम वेलकम टू द गैंग, राइट। कीप लाइकिंग द वीडियो एंड कीप शेयरिंग द वर्ड गाइज, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी का फायदा ले पाए। यस गाइज, लेट्स सी हाउ टू डील विद दिस। सो डीवाई बाई डी एक्स is going to be equal to dy by dx. Since we know, अगर आप ये चीज लिखते हो एग्जाम में तो यू आर क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन, बट अगर आप ये चीज नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। dy by dx is simply 1 upon x in this case, अगर ये x होता तो, ठीक है, अगर वो x होता तो 1 upon x, बट वो x नहीं है, वो cos of e raised to x है। तो 1 अपॉन x के जगह आपको पहले तो 1 अपॉन cos e raised to x लिखना है, बट उसके बाद क्योंकि वो x नहीं है, है ना, क्योंकि वो x नहीं है, उसको चेन रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। सो d by dx of cos of e raised to x, करेक्ट, राइट। नाउ When we say this, can I say okay, 1 upon cos e raised to x, तो क्या मैं उस चीज को directly sec of e raised to x लिख सकता हूँ? Although, कुछ गलत नहीं है, मैं अगर 1 upon cos e raised to x ही लिखूंगा तो, so let's keep it like that only for now. अब मुझे ये बताओ कि भाई cos का derivative क्या है, है ना? Cos x का derivative क्या है? Cos x का derivative is minus sin x, so minus sin e raised to x, क्योंकि वहां x नहीं है, e raised to x है। अब क्योंकि वहां x नहीं है, e raise to x है, e raise to x को भी तो differentiate करना पड़ेगा, यही तो chain rule बोलता है हमें, right? Yes guys, काफी लोगों ने answer दिया है, please everyone verify your answers towards the end. Answer इसका e raise to x का derivative e raise to x आएगा, so the final answer is minus e raise to x tan of e raise to x, right? तो अगर आपने ये लिखा है तो fantastic work, brilliant work, I can see that quite a few of you have written that. Harshit Joshi, बहुत बढ़िया, Dakshata Goyal, Dhwani, Fatima, fantastic work, Vidhushi, बहुत बढ़िया, very good, एक बार everyone please check your answers, अगर कोई doubt है तो please पूछे, I'm really sorry, cannot take all your names, but yeah, fantastic work, काफी amazing लग रहा, everyone is applying their best, and away that one mark in CBSE 2019, a past year question which is basically applied, you know, which basically asks you to apply chain rule. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो chain तोड़ने हैं आपको, एक chain नहीं, दो chain तोड़ने हैं, ठीक है, log of x नहीं है, log of something है, तो वो chain तोड़ दिया, फिर cos of x नहीं है, cos of something है, तो वो something को भी differentiate करना पड़ेगा, right guys? Because sin upon cos is tan ना बाबा, और theta दोनों का angle same है. Yes, क्या आपको समझ में आ रहा है? किसने tan पूछा? शायद अभी क्लियर हो गया है कि क्यों tan है, sin upon sin theta upon cos theta is tan theta. Yes, awesome. I hope that, yes, thanks a lot Ramandeep for helping out in the chat box. बहुत बढ़िया. Come on guys, this is an expected question. Again, based on chain rule, बहुत difficult नहीं है. Come on, इसको solve करके दिखाओ. Let's see how many of you can crack this problem quickly. बहुत बढ़िया. Yo, Vipul, here we go on your screens. Let's see. Come on. इन केस बच्चों अगर किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं हिट किया है, प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, फंटास्टिक वर्क आकांक्ष, एंड स्प्रेड द वर्ड एज मच एज पॉसिबल, नाइस, गुड टू सी, अमेजिंग वर्क गाइस, nice, let's see, come on, after 7x what is written, after 7x lnx is written baba, lnx, 7x plus lnx, log x, right? Sukhmita, trust me, aap wapas after the session, no, spend a few minutes on that problem, you will get it, and I think I'm seeing your name for the first time, which means I think you did not attend yesterday's session. ठीक है, एंड इफ यू हैव नॉट अटेंडेड यस्टरडे सेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल माइट बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू, बट अगर थोड़ा सा स्ट्रेस दे दोगे, बट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लोगे कल के सेशन के चेन रूल पे और आज के सेशन के उस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड इट, राइट, डू नॉट वरी,
Awesome, awesome. Answers are coming in. Answers are coming in. Let's see how to solve this one. Yeah. I think मैंने इस टाइप का एक प्रॉब्लम आज बात भी किया था. वी डिड टॉक अबाउट इट. यार दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. यू डू नॉट हैव द डेरिवेटिव फॉर cos स्क्वायर. सो व्हाट डू यू डू? यू कंसिडर इट एज x द होल स्क्वायर. मतलब cos ऑफ 2x क्यूब द होल स्क्वायर. फिर उसको आप डिफरेंशिएट करते हो. सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है. अगर ध्यान से देखोगे तो ट्रीट दिस एज tan ऑफ 7x प्लस lnx, राइट, the whole square. अब इस चीज को आपको differentiate करना है. और जब आप इस चीज को differentiate करोगे, जब आप इस चीज को differentiate करोगे, you will treat the content inside, right? You will treat the content inside the white bracket as x, and the derivative of x square is 2 times, yeah, and the derivative of x square is 2 times x. Am I correct, guys? Derivative of x square is 2 times x. So 2 times tan of 7x plus ln x. Kya ye baat sabko samajh mein aa rahi hai? But the thing is, wo x square nahi hai. Hai na? X nahi hai. Wo tan of 7x plus ln x hai. Correct? So isiliye chain rule apply karke, is poore cheez ko differentiate karna padega. Kya ye baat samajh mein aa rahi hai? This is how chain rule is applicable, guys. This is how chain rule works. क्या सबको समझ में आ रहा है? X square का derivative 2x है, तो x की जगह पे आप वो content लिख दो orange से जिससे underline किया है, but क्योंकि वो x नहीं है, chain rule से वो chain तोड़ना पड़ेगा, इसको वापस differentiate करना पड़ेगा, right guys? Come on, let's move forward. Let's see what this gives you. Two times. This is like the ये answer में अभी चिपक गया है, तो इसमें कोई changes नहीं होंगे, तो उसको वैसे का वैसा लिखेंगे हम लोग. अब आगे जो डिफरेंशिएट करना बचा है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स, गाइस? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स? कम ऑन एवरीवन, राइट? अगर आप ध्यान से देखोगे तो टैन एक्स का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर एक्स. टैन एक्स का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर एक्स. सो sec स्क्वायर, ठीक है, अब उसके अंदर x नहीं है ना भाई, उसके अंदर 7x plus ln x है. उसके अंदर x नहीं है, 7x plus ln x है. तो 7x plus ln x, राइट, बट क्योंकि वो अभी x नहीं है, tan के अंदर जो है वो x नहीं है, 7x plus ln x है, चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना? और अगर आप चेन रूल लगाओगे तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d by dx of 7x plus ln x. Yes guys, is everyone understanding this? Right? Yes, is everyone understanding? Very good, very good. जिस भी बच्चों ने sec square x लिखा है, you are growing with the process, guys. Trust me, ऐसे कुछ और problems कर लोगे तो एकदम पकड़ में आ जाएगा ये concept. और इस concept के जो अलग अलग variations हैं, उनको भी आप बहुत ही तगड़ी तरीके से solve कर सकते हो. Right? So this will be your answer. Right? I know थोड़ा सा लंबा answer है, but please try and understand कि ये आया कैसे. Right? 7 plus 1 upon x will be the derivative of this guy. क्योंकि 7x का derivative simply 7 है और ln x का derivative 1 upon x है. ठीक है? Yes, बिल्कुल Tanishka. Is everyone understanding this? Come on guys. Yes, 2 tan 7x plus log लिखा है आपने, तो log x मान रहा हूं मैं नीलू. sec square 7x plus log x सही. 7 plus 1 upon x. Fantastic work नीलू, बहुत बढ़िया. तो yes, जिसको भी ये answer आया है, fantastic work. I think आकांक्ष को भी यही आया है, बहुत ही बढ़िया. And you guys have taken the effort of typing it as well. Very good, Shreya. जिसने भी, जिसको भी solve करके ये answer आया, इसका मतलब chain rule, जो dy by dx निकालने वाला mechanism है, you can crack it now. Very good, Ramandeep. Very good, Adarsh. Good to see that confidence की यार हलवा लग रहा है. But धीरे धीरे हम लोग थोड़े tricky problems भी देखेंगे, ठीक है? We'll try and see a few tricky problems. Let's go to the next problem. This is a CBSE 2021 एक mark का problem. And this one is tricky. क्योंकि इसमें सॉल्विंग करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बट सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं और एमसीक्यूज नहीं है, तो वी विल हैव टू बी स्मार्ट. कम ऑन गाइस, ये इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब कुछ ही महीनों पहले आपके सीनियर्स ने ये एग्जाम दिया हुआ था. एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज अ गुड वेरिएशन. चेन रूल पढ़ते पढ़ते ये हल्का अच्छा वेरिएशन है समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए. कम ऑन गाइस, बहुत बढ़िया. अप्लाई योर बेस्ट. कम ऑन गाइस, लेट्स मूव. Yes, let's get started. Come on guys, f of x square. ध्यान से देखना कि पूछा क्या गया है. dy by dx पूछा गया है, और y क्या है इस पे फोकस करो. उससे dy by dx चेन रूल अप्लाई करना ग्रेजुअली इजी होता जाएगा. Yes guys, come on, give your best. You can crack this. Yes, come on, move.
शुभी आपका क्वेश्चन दिखा नहीं यार। आंसर माय क्वेश्चन सर, दैट इज द लास्ट चैट दैट आई कैन सी। शुभी आई कांट रीड योर चैट बिफोर दैट। तो एक बार वापस प्लीज अपना डाउट डाल दीजिए। हियर कम्स द आंसर्स। यस, नाइस 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 नाइस। अब ध्यान से देखो, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों कर रहा हूं मैं ये? सबसे पहला सवाल, टेल मी व्हाई आई एम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट द येलो थिंग दैट इज रिटन एट द टॉप, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि भाई मुझे डीवाई बाई डी एक्स चाहिए। व्हाट आई वांट इज डीवाई बाई डी एक्स। तो क्यों ना मैं वाई को ही डिफरेंशिएट करूं? डज इट मेक सेंस? सोच के देखो, इफ आई डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डोंट यू थिंक लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रेट अवे डीवाई बाई डी एक्स आएगा, और वही तो हमें चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर आ गया, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सिक्योर कर लिया कि ये चीज चाहिए। अब राइट हैंड साइड को इम्प्लीमेंट करते जाओ, एप्लीकेशन यू नो तगड़ी तरीके से लगाते जाओ। चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये एक्स स्क्वायर के जगह सिर्फ एक्स होता तो व्हाट वुड हैव बीन द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? सिंपली एफ डैश एक्स। डज एवरी वन बिलीव दैट गाइज? Does everyone believe that कि अगर वो underlying x square के जगह सिर्फ x होता तो क्या आपका derivative f dash x नहीं होता? बिल्कुल होता, बिल्कुल होता। अब यहाँ पे क्या होगा? f dash x square होगा, right? क्योंकि वो x नहीं है, क्योंकि वो x नहीं है, x square है। ध्यान से देखो, everything that we have been learning in chain rule is the same thing। अगर sin x है तो derivative cos x है, राइट right? बट क्योंकि वो साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर आएगा, कॉस एक्स नहीं कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, और साथ ही साथ वो चेन तोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो एक्स नहीं है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को ये थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ है बच्चों? अगर कोई भी डाउट है ये दो स्टेप्स में तो प्लीज पूछना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, राइट? यस शुभी, बिल्कुल बिल्कुल, यस। Can we understand this guys now? अब इस स्टेज पे देखिए कि भाई f dash x square क्या है? ये इक्वेशन में x की जगह x square डालना है, तो e raise to root of x square, x की जगह x square डालना है, और d by dx of x square क्या है बच्चों? What is the derivative of x square? 2x। आ गया आपका आंसर। अगर आप इसको और थोड़ा simplify कर सकते हो और करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए। 2 times x times e raised to x is going to be your answer because root of x square is simply x बच्चों। Come on, yes। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार thumbs up in the chat box में, एक बार definitely repeat करूंगा, चिंता ना कीजिए, right? The thought process, the first strike, the पहला idea, the first कदम should be कि यार पूछा dy by dx है तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन में जो y है ना, इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड dy by dx आ जाएगा। ये पहला आइडिया होना चाहिए, सिक्योरिंग दैट dy by dx। राइट हैंड साइड को मैं डिफरेंशिएट कैसे करना है वो मैं फिगर आउट करूंगा, बट मेरा लेफ्ट हैंड साइड सॉर्ट हो गया तो इक्वल टू सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड में जो भी आएगा वो dy by dx आएगा। वेरी गुड। अगर ये आइडिया क्लियर है तो आगे देखते हैं। फिर हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया d by dx of f of x square। मेरा सिंपल सवाल यही है कि अगर ये f of x square की जगह सिर्फ f of x होता तो क्या आपका आंसर f dash x नहीं होता? सिंपल f dash x, तो आंसर आपका सिर्फ e root x होता। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड आकांक्ष, वेरी गुड। जिसको भी आंसर आया, फंटास्टिक वर्क, एक्सीलेंट वर्क ऑनेस्टली, बिकॉज 2020 में जिसने भी ये पहली बार देखा होगा, आई डोंट थिंक दिस प्रॉब्लम वुड हैव बीन अ पीस ऑफ केक। इतना इजी नहीं लगा होगा ये प्रॉब्लम। थोड़ा सा तो ये स्पाइसी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गुगली वाला प्रॉब्लम है, आपको ट्रिक करने वाला प्रॉब्लम है। यस गाइज, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है, ठीक है। तो आंसर एफ डैश एक्स नहीं आएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर आएगा। सोच के देखो, अगर साइन एक्स होता तो डेरिवेटिव कॉस एक्स आता, बट साइन एक्स स्क्वायर होता अगर तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आता, बट साथ ही साथ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी होगा। क्यों? क्योंकि चेन रूल अप्लाई हो रहा है, राइट गाइज? क्या अभी समझ में आ रहा है? जिनको भी डाउट था, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, यो अशोक, थैंक यू। यस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर 2x, फिर सिंप्लीफिकेशन। अब देखो, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है e रेस टू रूट एक्स, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर क्या होगा? e रेस टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट।
सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर. कम ऑन गाइस, आर वी क्लियर? यस श्योर आदर्श, फटाफट. आई नो आप बेताब हो रहे हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. वेरी गुड तनिष्का, गुड टू सी. यार तनिष्का को डाउट था, बट क्या तनिष्का के साथ और भी जिन बच्चों को डाउट था? इज एवरीवन क्लियर? श्रेया, क्या आप क्लियर हो इस चीज से अभी? यस फंटास्टिक, गुड टू सी गाइज. लेट्स मूव नाउ. आई एम थ्रोइंग एंड यू नो चॉकलेट प्रॉब्लम. बहुत ही ज्यादा पपलू प्रॉब्लम है ये, एक मार्क के लिए 2019 में आया हुआ है. आई वॉन्ट टू सी कैन यू क्रैक दिस प्रॉब्लम इन 30 seconds. 30 seconds लिख के भी बहुत इजी है. कम ऑन, लेट्स यू नो किक दिस प्रॉब्लम. कम ऑन गाइज. यस, No worries, आर्या, but I think अगर आपको समझ में आया है then that itself should be a stunning achievement. Yes, आर्या, I think आप जिस तरीके से लिख रहे हो, I think आपको समझ में आया है and that's good, क्योंकि इसके बाद आप इस तरीके के सारे problems कर सकते हो, right? Just believe in yourself, ये नया नहीं होगा आपको फिर problem, correct? Very good. No, that's interesting. All right, so सबसे पहली चीज मुझे f(f(x) निकालना. I know कि यार composite functions है नहीं हमको, right? I know we don't have that, but I don't think it's that difficult an issue, right? f(x) is x plus 1, इसका मतलब all we have to do is f(x) plus 1, ठीक है? मतलब आपको x की जगह पे x plus 1 डालना है, ठीक है? x की जगह पे x plus 1 डालना है, तो x plus 1 plus 1 and hence the answer will be x plus 2, right? Not the final answer, f(f)x is x plus 2, correct? f(f)x is x plus 2. और जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, तब आपका आंसर सिंपली 1 आएगा, राइट? Yes, तब आपका आंसर सिंपली 1 आएगा. क्यों? क्योंकि बच्चों x का डेरिवेटिव 1 है और 2 का डेरिवेटिव 0 है, राइट? यस, एब्सोल्यूट पीस ऑफ केक. दिस इज अ पीस ऑफ केक प्रॉब्लम, बट इसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, एक मार्क का प्रॉब्लम है, राइट? एवरीवन क्लियर विद दिस? अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए फटाफट. कम ऑन गाइस, राइट? ना हर्षित, 2x plus 2 नहीं है, एक बार ध्यान से देखो. यस, x की जगह पे x plus 1 डालना है, तो x plus 1 plus 1 is x plus 2. क्यों? क्योंकि f(f)x है, करेक्ट? या गोज द नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइज, अनदर 2019. ये दूसरे सेट्स है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं है कि यार 2019 में ही ये सारे प्रॉब्लम आए, ऐसा नहीं है. अलग अलग सेट में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आए. ट्राई एंड सॉल्व दिस वन गाइज. दिस शुड बी यू नो एक ही फंडामेंटल आइडिया है इसमें. मॉड्यूलस ऑफ x जो है उसका यू नो डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन कैसे जाता है. दिस इज इक्वल टू x when x is greater than or equal to 0, right? And mod x is equal to minus x when x is less than 0, right guys? Thank you Nilu, makes my day, thanks a lot. f(f) means, Mr. Spike, that means composite function. So इसीलिए ये वाला problem मैं expect नहीं करूँगा, क्योंकि composite functions delete हो चुका है syllabus से, but derivatives तो है, और I think composite functions आपने पढ़ा है यार काफी basic level पे, तो ये कराना बनता है, और अगर आ जाएगा तो आप लोग उस पर हल्ला नहीं मचा सकते, समझ रहे हो? इसके लिए मैंने करा दिया. Very good guys, so let's see how this works. Absolutely correct, minus 2x is the correct answer guys. Why? Because we saw that modulus of x is minus x. When x is less than 0, it's minus x. So basically, you have to say that y is equal to x times minus x. That means you have to say that y is equal to minus x square. तो आपको अभी यार बहुत इजी हो गया, फंक्शन आ गया x के टर्म्स में, therefore dy by dx is derivative of this, so minus रहेगा, x square का derivative minus 2x, that's your answer. Fantastic work guys, अगर किसी को कोई भी doubt है तो please पूछिए फटाफट. Keep hitting the like button and spread the word as much as possible in case you haven't yet done that. Come on guys, quickly. Yes, let's move forward. Now this is an interesting problem. I know that we are a bit short on time, but मुझे ये 2 mark का CBSE 2020 का problem करना है. Why? Because this is really interesting and it involves multiple concepts. ठीक है, trigonometry भी involved है, differentiation भी involved है, और silly mistakes नहीं करना है, right? और value भी plug in करना है. At a particular point slope of tangent पूछा है, at a particular point derivative पूछा है. Let's see how you guys can crack this question. Come on, as I said, this is a brilliant problem because this has multiple concepts involved, trig involved है, derivatives involved है, right? So let's see how many of you can crack this problem. फटाफट, right? Yo, Mian.
ऑसम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस यस यस, जिनको इजी लग रहे थे प्रॉब्लम्स अभी तक ये करो, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप ये भी कर लोगे, बस इससे आप बहुत कुछ सीखोगे एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि यू नो यही तो इस पूरे सीरीज का यू नो थॉट प्रोसेस है कि आप हर एक चीज से सीखो और आगे बढ़ो और अपने एग्जाम्स में मचाओ, राइट? यस मोहित रॉय, बिकॉज सी दिस क्वेश्चन इज, लेट्स से दिस, एज यू आर करेक्टली सेइंग, दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, बट अगर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करोगे तब आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो. कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है? यस, वेरी गुड वेरी गुड श्रेया. अच्छा हाँ भाई, ये एक चीज, ये वाला क्वेश्चन अभी मत करना, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यहाँ पे और है इसीलिए मैंने जानबूझ के लिखा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यार इन तरीके के क्वेश्चंस में जनरली जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ये क्वेश्चन अभी भी अगर आएगा 2021 में तो 2 मार्क के लिए ही आएगा. तो यू नो यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन, जैसे मोहित आई थिंक, यस मोहित रॉय आप बोल रहे थे, जैसे आप बोल रहे थे कि यार ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, अब जो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हो ना नीचे वाला, ये काफी स्टैंडर्ड एनसीईआरटी प्रॉब्लम है. अगर आपने एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स किए हैं एक्सरसाइज के, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 5.5, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस, 5.5 के अगर प्रॉब्लम्स किए हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो tan x raised to tan x का डेरिवेटिव आप सुपर डुपर इजी तरीके से ढूंढ सकते हो, थोड़ी लिखनी पड़ेंगी चीजें बट आप सॉल्व कर सकते हो. सो लेट्स ट्राई एंड डू द फर्स्ट वन गाइस, लेट्स फर्स्ट सिंप्लीफाई f(x). As I said, trigonometry is heavily involved, right? So what I'm going to do is, जो अंदर sec x है, उसको 1 upon cos x लिख रहा हूँ मैं, minus 1, the whole upon 1 upon cos x plus 1. Now why am I doing this, right? Let's see why exactly I am doing this, right? Simplify करेंगे अगर इस चीज को हम लोग, अगर हम इस चीज को simplify करेंगे, तो let's see, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 minus cos x upon cos x, ठीक है? 1 minus cos x upon cos x, right? The whole upon 1 plus cos x upon cos x. Okay? Can we clearly see that the cos x's are getting cancelled, right? And now, can we think from this perspective, ki abhi andar 1 minus cos x upon 1 plus cos x hai, aur 1 minus cos x ko main 2 sin square x by 2 likh sakta hun, okay? Aur 1 plus cos x ko 2 cos square x by 2 likh sakta hun. That is why I said this is trigonometry heavy. Yes guys, क्या ये समझ में आ रहा है? Right? Yes, yes. हर्षित, आप वो दूसरे problem की बात कर रहे हो क्या? Tan x raised to tan x की बात कर रहे हो? Come on, come on, come on. Yes. Awesome, awesome. इसको simplify करके अब क्या मिलेगा? दिख रहा है guys कि 2 और 2 cancel हो रहा है. Sin square upon cos square is tan square and root of tan square is straight away tan of x upon 2. Yes guys, sin square upon cos square is tan square, root of tan square is tan x by 2. अब इसको differentiate करना तो बहुत ज़्यादा difficult नहीं है, right? If f of x is this, right? Therefore f dash x is going to be tan of x का derivative is sec square, tan theta का derivative sec square theta, so sec square x by 2 guys, right? और क्योंकि ये x by 2 है, x नहीं है, तो x by 2 को भी differentiate करना पड़ेगा. Yes, rationalization से भी हो जाएगा तनिष्का, but लंबा होगा. And I think this is very easy. इसका मतलब अगर आप no, I don't mean, why do you feel so? I don't. Do you? I never said that. I तो rather appreciated your comment. Unnecessary हल्ला मचाने. क्यों भाई? Yes. So now, the final straw is that f dash x नहीं चाहिए, f dash pi by 3 चाहिए. ठीक है, तो x के जगह आप पाई बाई 3 डालेंगे, तो sec square पाई बाई 3 अपॉन 2 इज पाई बाई 6 इंटू हाफ. इसको सिंप्लीफाई करो, राइट गाइज, पाई बाई 6 इज 30 डिग्रीज, राइट? पाई बाई 6 इज 30 डिग्रीज गाइज, cos 30 डिग्रीज इज रूट 3 बाई 2, सो sec 30 डिग्रीज इज 2 बाई रूट 3, एंड 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर इज 4 बाई 3 इंटू हाफ. सिंप्लीफाइंग दिस द आंसर इज 2 बाई 3. जिसको भी 2 बाई 3 आया है, awesome work. Yes, who all have got 2 by 3? Very good, Vipul. Nikita ne 1 by 3 likha hai. I think aap 2 miss out kar gaye ho. Ek bar check kar lo everyone. Yes guys, come on. Has everyone got this answer? Quickly. Yes, agar koi doubt hai to poochho. Bahut badhiya Dhwani. Very good, Akanksh. Fantastic work. Right? I think Tanishka, kya abhi aapko samajh mein aa raha hai? I know you feel that ye trigonometry ka tarika utna jyada intuitive nahi aapke liye, isiliye aapne wo likha, but trust me guys,
यू नीड टू गेट यूज टू ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन बहुत सारे जगह पे हैं 12th स्टैंडर्ड में। तो अगर आपको अभी भी लगता है, अभी भी आपके पास टाइम है बच्चों, अगर आपको लगता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ट्रस्ट मी, स्पेंड सम टाइम ओवर ट्रिग्नोमेट्री। आई थिंक मैंने यूट्यूब पे भी, इस चैनल पे भी एक आध सेशन लिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट तगड़े करने के लिए। स्पेशल प्लेटफॉर्म पे unacademy.com पे तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री ट्रीट करके एक वीडियो मिलेगा आपको, जो फ्री आप देख सकते हो। इवन आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो भी आप वो देख सकते हो। ऑल यू गॉट टू डू इज यू नो ऑन द अनअकैडमी ऐप और unacademy.com रजिस्टर कर लो। मेरे प्रोफाइल को खोजिए गणेश पवार के नाम से, फिर प्रोफाइल को फॉलो कीजिए, और मेरे प्रोफाइल में आपको एक डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाएगी जहां पे ढेर सारे फ्री वीडियोस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री ट्रीट, जो आप अगर देखोगे आपका ट्रिग्नोमेट्री फुल्ली रिवाइज और स्ट्रांग हो जाएगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में जो जो भी चीजें लगेंगी सारी चीजें आप बेहद आसानी से क्रैक मार सकते हो। ऑल राइट गाइज, यस ऑसम ऑसम, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड वेरी गुड, फंटास्टिक वर्क। अगर प्लस है तो भी आप देख सकते हो डेफिनेटली बाबा। राइट गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वॉज इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या सबको याद है? हमने शुरुआत में भी देखा, अगर इम्प्लिसिट है फंक्शन, मतलब अगर मैं वाई को एक्स के टर्म्स में एक्सप्लिसिटली नहीं लिख पा रहा हूं, तो आंख बंद करके डिफरेंशिएट कर दो। स्टेप वन इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। स्टेप टू इज कलेक्ट द dy बाई डी एक्स टर्म्स टूगेदर, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखो dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में कोई dy बाई डी एक्स नहीं है। थर्ड स्टेप इज आइसोलेट dy बाई डी एक्स, राइट, मतलब dy बाई डी एक्स का उससे फाइनली वैल्यू निकाल लो। यस, क्या ये अल्गोरिदम सबको क्लियर हो गया है? अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिएगा गाइस, कम ऑन फटाफट, राइट। यस यस यस, ये हमने कल प्रॉब्लम किया था, जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट एवरी वन इज ऑन द सेम पेज वेन इट कम्स टू दिस प्रॉब्लम। फटाफट गाइज, यस, ये आपका एक एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है। इफ यस, थम्स अप इन द चैट बॉक्स। ऑसम ऑसम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइज। यस, क्विज कल नहीं होगा जागृति, परसों होगा, क्योंकि हमेशा क्विज के लिए मैं एक दिन छुट्टी देता हूँ, ताकि ये दोनों सेशन जो है, द कॉन्सेप्ट सेशन एंड द पिकनिक सेशन, आप ये दोनों सेशन अच्छे से रिवाइज करें और क्विज के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि यार एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम पढ़ाई करते हैं ना, तो डेफिनेटली यार अगर आपको लगता है कि सर अब 80 से ज्यादा नहीं आ सकते मैथ्स में, तो ट्रस्ट मी आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि सर मैं 90 ला सकता हूँ, 90 ला सकती हूँ। I'm just saying, अगर आपको अभी लगता है 90 ला सकते हो, तो 95 वाला कॉन्फिडेंस आएगा। उसके लिए प्लान चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, आंख बंद करके पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है ना। यस, थैंक यू रमनदीप, awesome, गुड टू सी दैट, राइट। तो अगर ये अल्गोरिदम क्लियर है, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है ये क्लियर है, फंक्शंस जो इस तरीके से दिखते हैं जहां पे आप वाई इज इक्वल टू सब एक्स ऑन द अदर साइड ऐसा नहीं लिख सकते हो, तब ये अल्गोरिदम फॉलो करना है। लेट्स ट्राई एंड डू दिस होमवर्क प्रॉब्लम बच्चों। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4 है। Let's increase the pace a bit and try and solve this. As we said, the first step is differentiate both steps, both sides with respect to x. ठीक है, यहाँ पे ये y था, plus y था, ठीक है। So x y का derivative क्या होगा? X into derivative of y. Product rule लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देखो बच्चों, x into y, ये दो functions हैं, product rule लगेगा, right? Yes guys, yes Syed, yes for now, yes, yes. x into y ये प्रोडक्ट है, तो इनका डिफरेंशिएट अगर हमें करना है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सो x into डेरिवेटिव ऑफ y, विच इज दिस, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो y into डेरिवेटिव ऑफ x, विच इज y into 1, क्लियरली, राइट। तो ये आपका इसका डेरिवेटिव हुआ। अब y square का क्या करेंगे? y square, x square का डेरिवेटिव क्या है बच्चों? x square का डेरिवेटिव क्या है? 2x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ 2y होगा, बट क्योंकि वो x नहीं है, y है, चेन रूल लगेगा और dy by dx होगा। Come on guys, is the left hand side का derivative absolutely clear to everyone? If yes, thumbs up in the chat box. Come on guys, बहुत बढ़िया, sure Sai, you can if you want to and if you give your best and have a proper plan and strategy, then it is possible. Come on guys, right hand side में क्या है देखते हैं। tan x का derivative simply sec square x, this is superbly easy, plus y का derivative dy by dx। अब Now comes the second step. The second step is to understand कि dy by dx के terms कहाँ कहाँ हैं और उनको इकट्ठा करना है। तो सारे dy by dx terms को हम left hand side में ले लेते हैं, ठीक है। So therefore x dy by dx plus 2y dy by dx minus dy by dx
इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। ध्यान से देखिए, ये जो y है उसको मैं राइट हैंड साइड में फेंक रहा हूँ, sec स्क्वायर x जो है वो राइट हैंड साइड में ही है, बाकी तीनों टर्म्स में dy by dx है। सो वी आर कलेक्टिंग देम टूगेदर एंड टेकिंग dy by dx कॉमन, x प्लस टू वाई माइनस वन। यस, मोनालिसा ने आंसर भी दे दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस yes, और मुझे क्रैकर्स की आवाजें भी सुनाई दे रही है, आई थिंक दैट इज बिकॉज मुंबई वाला। यस गाइज, कैन यू सी, आई एम सो हैप्पी, अमेजिंग गाइज। यस, तो dy by dx का वैल्यू यहां से क्लियरली दिख रहा है, इट्स sec स्क्वायर x माइनस वाई द होल अपॉन x प्लस टू वाई माइनस वन। इफ यू आर क्लियर विथ हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन बच्चों, इन दो एग्जाम्पल्स को यूज करके थम्स अप इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू गिव यू वन पास्ट ईयर क्वेश्चन। आर वी रेडी गाइज, कम ऑन। Yes, yes, Dakshata, finally, yes, 5 times champion, that's amazing. Come on guys, quickly, क्या इस particular concept पे clarity है, क्या मैं इस concept पे implicit function पे एक problem आप सबको दे सकता हूँ? Come on guys, quickly, फटाफट, yes, अगर कोई doubt है तो please पूछे फटाफट guys, come on. Nice, nice, good to see that, fantastic work. Here goes the problem guys, this is a tricky problem. I could not figure out which year exactly, इसीलिए मैंने CBSE boards लिखा है, but ये 2 mark का problem है definitely, ठीक है? तो एक बार देखते हैं किस तरीके से इस problem को attack करना है, ठीक है? Now this is that kind of a problem जो अगर आपने पहले नहीं देखा है तो देख के लगेगा कि अरे सर ये क्या है, अब मैं कैसे करूँ, right? This is the feeling that generally might come, ठीक है? तो ये ट्रस्ट मी, ये जो ब्लॉक है ना कि जिससे आपको हल्का फुल्का डर लगता है प्रॉब्लम से, जैसे हम जनरली कहते हैं दिस इज एन इंटिमिडेटिंग प्रॉब्लम, या इंटिमिडेटिंग मतलब डराने वाला प्रॉब्लम। ट्रस्ट मी, ये जो डराने वाला प्रॉब्लम है ना, ये फोकटी है। आई डोंट नो इफ दैट इज द राइट वर्ड, व्हाट आई मीन टू से इज कि यार ये फोकट का डराना है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत ईजी है। और एक बार अगर आपने इस टाइप का प्रॉब्लम कर लिया, राइट, वेरी गुड नीलू, तो आप इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो लेट्स सी हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। द आइडिया इज कि वाई क्या है, वाई इज रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स एंड इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी, ठीक है? अगर ये बात समझ में आ गई कि ये चीज वाई है, ठीक है, ये पूरी चीज वाई है, ध्यान से देखिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पूरी चीज भी वाई है? क्योंकि ये जो दूसरा, दोनों को रेड में नहीं निकालते हैं, चलो ठीक है, दूसरे को कलर में चेंज कर देता हूं। यस, ये चीज भी y है, द रेड थिंग एंड द ग्रीन थिंग बोथ आर y's, बिकॉज बोथ आर रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ साइन x, डजंट स्टॉप, राइट? सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन द ट्रिक दैट works इज स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, राइट गाइज, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। एंड व्हेन इट कम्स टू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू वी हैव? Right? On the left hand side, we have y square. On the right hand side, we have sin x. क्योंकि सबसे पहला root जो है वो हट गया, plus, plus. अब ध्यान से देखिए जो बचता है वो क्या है, root of sin x plus root of sin x plus root of sin x till infinity. Can you see that? मैंने जानबूझ के वो green में निकाला है क्योंकि वो भी तो y है, right? So what do we get as the equation after all of this guys, after all of this we therefore get the equation as y square is equal to sin x plus y. Bahut badhiya, kafi bachcho ne already answers likh diye hain, right? Asta, kya abhi aapko samajh mein aa raha hai? Right, jo blue mein aapko cheez dikh raha hai na, agar wo stage tak aap pahunch gaye to aapka problem khatam, kyunki yaar ab ye ek standard implicit function ka derivative ka problem ban gaya. Kya sabko ye cheez samajh mein aa rahi hai? इस स्टेज पे दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम वेयर यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि दैट इज व्हाट द स्टेप वन इज इन इंप्लिसिट, करेक्ट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड ध्वनि। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस वाई का डेरिवेटिव dy by dx। नेक्स्ट स्टेप क्या है, dy by dx के टर्म्स जो है इकट्ठा एक साइड पे लेने हैं, सो 2y dy by dx माइनस dy by dx इज इक्वल टू cos x। अब क्या करना है, dy by dx को कॉमन लेना है, ठीक है? dy by dx को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 2y माइनस 1, तो उसको cos x के नीचे डाल दो, 2y माइनस 1, दिस इज योर आंसर, cos x अपॉन 2y माइनस 1। कम ऑन गाइज, आर वी क्लियर? राइट, यो तनिष्का, फैंटास्टिक, ऑसम ऑसम।
यस, क्या सबको समझ में आया कैसे करना? अब मुझे ये बताओ कि अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है डॉट डॉट इन्फिनिटी, साइन एक्स के जगह मान लो कॉस एक्स है, या फिर कुछ भी और है, ई रेस टू एक्स है या जो भी है, क्या डर कम होगा? ऑनेस्टली बताओ, अगर हाँ तो थम्स अप डालो चैट बॉक्स में गए। आपको लगता है कि यार इस प्रॉब्लम के बाद वो डर खत्म नहीं हुआ, अगर तो एटलीस्ट कम हो जाएगा? आप थोड़ा सोचोगे और आप फिर रफ में कुछ करोगे, फिर बोलोगे हाँ यार अब तो मैंने फोड़ दिया ये प्रॉब्लम, क्योंकि अल्गोरिदम तो सेम है यार, ये फीलिंग आएगी। और अगर ये फीलिंग आएगी तो यार यही तो कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रारंभ सीरीज का, यही तो हम करना चाह रहे हैं कि यार हर बच्चे में हल्का सा कॉन्फिडेंस यू नो इम्प्रूव करना है, एप्लीकेशन स्किल्स बढ़ाने हैं। यस गाइज, और धीरे धीरे हम शिखर पे चढ़ते जाएंगे। बहुत बढ़िया, यस जागृति सही, टेंट्स टू हलवा, बहुत बढ़िया रमनदीप, फंटास्टिक, राइट सैयद, आई होप समझ में आया है। अगर डाउट है तो थोड़ा क्लैरिटी से डाउट पूछना भाई, राइट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये प्रॉब्लम्स मैं कराने नहीं वाला हूँ क्योंकि ये 4 मार्क के प्रॉब्लम है, बट ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर बेस्ड ऑन योर इम्प्लिसिट वाला फंडा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे टैन इनवर्स ऑफ वाई ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों जगह एक्स है, दोनों जगह वाई है, आप वाई इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं लिख सकते, इसका मतलब इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट है इसका मतलब आपको वो स्टेप्स लगाने हैं, पहले ही स्टेप में आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर डीवाई बाई डी एक्स के टर्म्स इकट्ठा करने हैं, ठीक है, एंड फिर आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। और इस तरीके के काफी प्रॉब्लम्स आपके एक्सरसाइज में भी हैं, इसीलिए 4 मार्क्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मैं होमवर्क के लिए रख रहा हूँ, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप सब ये प्रॉब्लम्स ट्राई करो। बट ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये जो दो प्रॉब्लम्स मैंने ये पेज पे और ये पेज पे दिखा हुआ है, क्या आप लोग ये देख पा रहे हो कि क्वेश्चन एक्चुअली सेम है? वो और वाला पार्ट नहीं, नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, ये नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, dy by dx is x plus y upon x minus y, dy by dx is x plus y x minus y, सेम चीज प्रूव करना है। तो दिया हुआ चीज भी एक्चुअली सेम है, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो, अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो दिया हुआ चीज भी एक्चुअली सेम है। ये 2 को क्या मैं नीचे ले जा सकता हूँ, एंड कैन आई राइट दिस एज हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? यो विदुषी, थैंक्स अ लॉट यार, प्लीज स्प्रेड द वर्ड। अगर आपको सही में मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा पाए एंड कैन एक्चुअली स्कोर गुड इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशन, इफ नॉट गुड एटलीस्ट बेटर देन व्हाट दे ड्रीम, व्हाट दे एक्सपेक्ट, व्हाट दे कैन, राइट गाइस। अब ये चीज आपको देख के ये नहीं लगता कि इस हाफ को मैं रेस टू हाफ कर सकता हूं, यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू हाफ, और अगर ये रेस टू हाफ है तो क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ? हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे बच्चों, हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, हम लोग बस ये देख रहे हैं कि ये जो डेटा है इज द सेम एज दिस डेटा, कैन यू सी दिस, लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टैन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ये सेम डेटा है। तो एक्चुअली 2019 में और 2020 में ये सीबीएसई के जो दो बैक टू बैक पेपर्स है वहां पे ये 4 मार्क का प्रॉब्लम रिपीट हुआ है, इससे एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है बच्चों, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न, राइट गाइज, राइट, यस यस, वेरी गुड, दिस इज, आई डोंट हैव दैट स्लाइड टुडे, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम, याद है वो स्लाइड रखते थे हम लोग जहां पे लैडर पे चढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनालाइज करना, और इससे हम ये देख पा रहे हैं कि यस इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इज इफ नॉट द फेवरेट, इट इज समथिंग दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, आपको रेडी रहना पड़ेगा इम्प्लिसिट के फंक्शन सॉल्व करने के लिए, यस बच्चों, बहुत बढ़िया, राइट, ऑसम, सो यस लेट्स मूव फॉरवर्ड, अनदर प्रॉब्लम ऑफ द सिमिलर थॉट प्रोसेस, जैसे आप देख पा रहे हो ये सीबीएसई 2019 में अलग से प्रॉब्लम नहीं आई, बस अलग सेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, अगेन अ प्रॉब्लम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, चेक कर लेना, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इट, विल ट्राई एंड टेक दिस एट सम अदर टाइम। फटाफट थोड़ा सा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन भी, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स is nothing but 1 upon root of 1 minus x square, right? Derivative of cos inverse x is minus of the same thing, 1 upon root of 1 minus x square, or cos inverse is minus 1 upon root of 1 minus x square, correct? Right? अगर आप ये वाला देखेंगे tan inverse x का derivative, और ये सारी चीजें प्रूव हो सकती हैं, बट क्योंकि जरूरी नहीं है प्रूव करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, मैंने अपने नॉर्मल लेक्चर्स में जहाँ पे लाइव डेली के सेशन हैं आप देख पाओगे कि मैंने सारे डिटेल में करवाए हैं, राइट। tan inverse x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square, cot inverse x का
माइनस ऑफ दैट। तो इस तरीके से ये चारों चीजें आप याद रख सकते हो। साइन इनवर्स याद रखो, माइनस चढ़ा दो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव मिल जाएगा। टैन इनवर्स का याद रखो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस चढ़ा दो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव मिल जाएगा। मोर ऑर लेस द सेम फॉर सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, बट यहाँ पे थोड़ा याद रखना ट्रिकी है। ठीक है, वन अपॉन एक्स रूट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। मॉड नहीं लगाओगे फॉर द टाइम बीइंग चलेगा, या बट जनरली मॉड लगाओगे तो इट टेक्स केयर ऑफ नेगेटिव एक्स वैल्यूज एज वेल। ऑल राइट, यस, नाउ यस, 14 क्वेश्चन मिसलेनियस, यस। तो ये काफी क्वेश्चन जो है एक्चुअली मिसलेनियस के प्रॉब्लम है, कुछ एग्जाम्पलर के हैं। तो ये जो चार मार्क के प्रॉब्लम आते हैं ना, you have it under control, you just have to solve all these exercises and miscellaneous problems and exemplar problems, इसीलिए NCERT जरूरी है। ठीक है, but NCERT के अलावा ये जो एक mark के problems आते हैं ना, एक mark के दो mark के problems, यहाँ पे हमें miss out नहीं करना, especially these kind of problems, you have to, you know, work on them conceptually, यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। Yes guys, so let's move forward. ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये कल के सेशन में था, तो क्विकली लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। कम ऑन गाइस, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस वन। आई थिंक चेन रूल से आप ये कर सकते हो, आपको बस ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ 2x का चेन तोड़ना है। टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपने देखा है क्या है, क्विकली लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम गाइस, फटाफट कम ऑन। यस, टैन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बट यहां x के जगह पे 2x है। ठीक है, यस, अब क्योंकि x के जगह पे 2x है, चेन रूल लगेगा और 2x का डेरिवेटिव भी होगा। फंटास्टिक वर्क श्रेया, विप्रा बहुत बढ़िया, विप्रा आपका नाम पहली बार देखा बट फंटास्टिक वर्क, यस यस बाबा, यस यस यस। आई डू थिंक थोड़ा सा गड़बड़ है बट देखते हैं देखते हैं, लेट्स ट्राई एंड मूव फॉरवर्ड विद दिस। ठीक है, यहाँ पे तो 2x का डेरिवेटिव 2, सो 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, जो एक्चुअली ऑप्शन में नहीं है, राइट, सो एक्चुअली ऑप्शन में नहीं है, सो येस, नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट बाई दैट लॉजिक, बट आई होप एवरी वन कैन सी कि यार आंसर ये आएगा, सो विल जस्ट चेंज दिस टू 2, विल जस्ट चेंज दिस टू 2 and say that option D is the correct answer. All right guys, so I hope everyone is clear with this problem. Yeah, two missing hai, I'm really sorry, but I hope we are clear with the algorithm. Logic clear hai, kaise solve karna hai. बहुत बढ़िया, fantastic work. If yes, thumbs up in the chat box guys, kyunki iske baad main aur ek problem dunga jo halka sa teekha hoga. Come on guys, are we ready? Yes, 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 that's correct Lali, fantastic work. Bahut sahi, bahut sahi. Here goes the next problem, CBSE 2018 का 4 mark का problem है बच्चों। अब जैसे आप देख पा रहे हो tan inverse है यहाँ पे, तब of course पहली चीज आप सोचोगे कि सर अब inverse है तो inverse का differentiation के formulas लगाने पड़ेंगे। अब tan inverse x का derivative तो 1 upon 1 plus x square है ना, अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो 1 upon 1 plus cos x minus sin x upon cos x plus sin x the whole square, फिर उसके बाद चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एक्स नहीं है, बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी। क्या कैन वी सी दिस गाइस कि दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड, राइट, दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड, योर अमनदीप फैंटास्टिक, राइट, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाई आई वाज स्ट्रेसिंग ऑन ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काफी सारे चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जहां पे ट्रिग आपको बहुत ज्यादा काम देगा। सो व्हाट यू गॉट टू डू, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस एक्स इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस एक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट अनिश का, फैंटास्टिक वर्क, यस, कोई बात नहीं आ रहा, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। लाली आपको डिफरेंशिएट करना है, नीलू ने कर लिया डिफरेंशिएट, हार्दिक ने भी कर लिया है, बहुत बढ़िया, राइट, सो डिवाइड बाय कॉस एक्स इनसाइड बिकॉज वी कैन, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अच्छे से लिख देना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एग्जाम में, बाय कॉस एक्स कर दूं तो दैट्स फेयर, राइट, सो टैन इनवर्स ऑफ, अब मुझे ये बताओ कि अंदर cos x minus sin x upon cos x है, तो डायरेक्टली लिख देता हूं, although आप एग्जाम में लिख सकते हो, cos x upon cos x is 1 minus sin x upon cos x is tan x upon cos x upon cos x is 1 sin x upon cos x is tan x, करेक्ट। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे बहुत हाई क्वालिटी ट्रिग्नोमेट्री अभी तक लगी नहीं है, अब लगेगी, यस, क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यार tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है टैन ऑफ ए,
यस प्लस टैन ऑफ बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी। और अगर आप ध्यान से देखोगे राइट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि डिनोमिनेटर वन प्लस टैन एक्स के फॉर्म का है, ठीक है। देन यू विल रियलाइज कि ओ मुझे टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लगाना, मुझे टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, राइट। तो टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, राइट। तो टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन बी, एंड देयर यू सी एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टैन इनवर्स ऑफ। अब आपको देखना है कि भाई वन जो है ना, वन जो है किसका टैन है, क्योंकि वो वन टर्म भी हमें टैन ऑफ ए के फॉर्म में लिखना है, दैट्स टैन पाई बाय फोर, एंड दिस इज लाइक अ स्टैंडर्ड ट्रिक बच्चों। ये जो है एक स्टैंडर्ड ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो आपको भली भांति ये ट्रिक पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पे हल्का सा काम करना है। जस्ट ऑब्जर्व हाउ स्मार्टली हाउ नीटली दिस इज क्रैक्ड। ये tan x को लिखा गया है 1 इंटू tan x, और वो 1 को tan पाई बाय 4 इंटू tan x लिखा हुआ है, सो दैट वी कैन गेट इट इन दिस फॉर्मेट, राइट। क्या आप अभी देख पा रहे हो कि जो आपका y है, जो आपका ये फंक्शन है y इज इक्वल टू दिस, इस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ tan inverse of tan of, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो pi by 4 minus x, a minus b, right? pi by 4 minus x, tan inverse और tan कट जाएगा, तो आपका जो function है y will become just pi by 4 minus x। अब मुझे आप ये बताओ कि जब आप इस function को pi by 4 minus x, अभी तो आपको inverse के derivatives लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि trigonometry के मदद से आपने इस function को simplify कर दिया है only as pi by 4 minus x, ठीक है। और pi by 4 minus x का hence derivative is simply minus 1 guys। derivative चाहिए, differentiate करना है, तो pi by 4 minus x तो बस simplification है, उसको आप differentiate करेंगे and the answer hence is minus 1। yes guys बहुत बढ़िया, अगर ये पूरा process clear है तो please thumbs up in the chat box and let me know so that we can move forward and you know we are towards the end, yes जल्दी खत्म करेंगे, but I hope सबको feel आ रही है, समझ में आ रहा है, content apply कर पा रहे हो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया guys, बहुत बढ़िया। this is another good problem, ठीक है। अगेन अ स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ओवर हियर, एक बहुत ही तगड़ा सब्स्टिट्यूशन लगाना है, आपका ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, यहाँ पे जो है ये स्मार्ट स्टेप था, ठीक है। तो ये टाइप के जो प्रॉब्लम्स है ना, जो जो इनवर्स का कंधा यूज करके आपको डराते हैं, बट एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री की सिंप्लिसिटी, ट्रिग्नोमेट्री के टेक्निक्स से आप ये प्रॉब्लम को बहुत इजी बना सकते हो, ये वही वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है, y को tan थीटा डालना है। अगर आप y को tan थीटा डालते हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, डायरेक्टली ये y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप जैसे ही आप x को tan थीटा डालोगे, यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस विल बिकम y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो रेड के ब्रैकेट में है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों cos 2 थीटा, राइट। अगेन अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है तो आपको ये पता है, और अगर आपको ये पता है तो आपका ये प्रॉब्लम ना चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फिर cos इनवर्स और cos कटेगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब 2 थीटा के जगह क्या मैं 2 टाइम्स tan इनवर्स x लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, क्योंकि अगर x tan थीटा है तो थीटा tan इनवर्स x है, और अगर y इज इक्वल टू दिस इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि tan इनवर्स x का तो डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है ना, एंड इसीलिए dy / dx हेंस इज 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, सो दिस विल बी योर आंसर। यस गाइस, सो आई होप एवरीवन हैज क्लियरड द अंडरस्टैंडिंग लॉजिक, सबको समझ में आ गया है। Yes, very good, Samyak, very good, everyone, बहुत बढ़िया, हर्षित, आस्था, वीना, fantastic, yes, very good, बहुत बढ़िया, awesome guys. The last segment is exponential and logarithmic derivatives, although हमने आज ये देखा है, कल भी हमने हल्का फुल्का देखा था कि यार e raise to x का derivative e raise to x ही है, और log x का derivative जो है 1 upon x है, तो इसको use करके हम देखते हैं एक आध problem solve करके, फटाफट, every problem I'll give you 1 minute, everyone try and solve this problem, let's see guys, come on, बहुत बढ़िया, right? Yes, Ramji, I would request you कि एक बार वापस देख लेना, trust me, समझ में आएगा, आपको बस वो concept में trigonometry वाला part अच्छे से समझना है, ठीक है? Yes, awesome, awesome, बहुत बढ़िया।
यस गाइस वेरी गुड, कम ऑन। इन केस अगर किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक फटाफट लाइक का बटन हिट कर दीजिए एंड स्प्रेड द वर्ड। एंड अगर आप पहली बार आज का सेशन देख रहे हो तो इसके ये सीरीज के सेशन देखना, स्पेशली अगर आप अभी के लिए कल का सेशन देखना जो कॉन्सेप्ट सेशन है, आज का सेशन पिकमिक सेशन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और परसों का सेशन जो है वो क्विज सेशन होगा, राइट? यस, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, log x टू द बेस 2 को लिखना है log x टू द बेस e अपॉन log 2 टू द बेस e। ये जो है आपका चेन रूल, सॉरी चेंज ऑफ बेस वाला प्रॉपर्टी है log, राइट? नाउ दिस इज अ कॉन्स्टेंट गाइस जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट जो है वो ln 2 है, तो उसको हम वैसे का वैसा लिखते हैं 1 अपॉन ln 2, राइट? dy बाई dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x, एंड दैट्स योर आंसर गाइस, 1 अपॉन x ln 2, एंड दैट इज एन ऑप्शन बी। फैंटास्टिक वर्क गाइस, यस, प्रो टिप, बेस चेन थ्योरम, वेरी गुड वीना, वीना इज लर्निंग हाउ टू टीच लाइक मी, बहुत बढ़िया, राइट? यस यस यस, सारा सारा कैलकुलस, सारा सारे चैप्टर्स होंगे तनीषा, राइट? बट हम ये अल्गोरिदम से जाएंगे, प्लस में फुल डेप्थ में जाएंगे। यहाँ पे अल्गोरिदम में एक सेशन हम कंसेप्ट पे देंगे, एक सेशन पास्ट ईयर प्रॉब्लम और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ताकि जो कंसेप्ट पढ़े उससे कनेक्ट कर पाए। अगर कोई कंसेप्ट उतना डेप्थ में आपको नहीं समझ में आता तो आपका काम बस यही होगा, आपको खुद से थोड़ी एफर्ट डाल के वो कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे लाइव डेली के वीडियोस हैं जो हम मई से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे चैनल पे। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप वो चैप्टर को, वो कॉन्सेप्ट को गहराई में पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। और जो तीसरा सेशन होगा वो क्विज सेशन होगा, ठीक है? इस सब के बारे में बताऊंगा बच्चों, ये होमवर्क के लिए रख लीजिएगा, चेन रूल यूज करना है, एंड प्रीटी श्योर यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ऑल्दो काफी सारे प्रॉब्लम्स होंगे आज सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं वापस आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट लाया हूं, ठीक है? ये एक बार क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, द डेरिवेटिव ओवर हियर, यू नो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव is going to be e raised to x ka derivative is e raised to x, so in this case e raised to sin x ka derivative is e raised to sin x, but kyunki wo x nahi hai, sin x hai, तो वो साइन एक्स का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स एंड दैट विल गिव यू कॉस एक्स, सो इट्स ई रेस टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स, ठीक है? एंड हेंस ऑप्शन डी हर इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट गाइज, ऑल राइट, द फाइनल सेक्शन इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है? नाउ दिस इज वन थिंग दैट यू नो हम डेरिवेटिव्स 2.0 में ज्यादा कर लेंगे, ठीक है? बेसिक आइडिया बस ये है कि अगर आपके पास इस तरीके का फंक्शन है u raise to v, और u और v ये दोनों फंक्शंस, ठीक है? यस दक्षता, और ये दोनों फंक्शंस जो है उनमें x है, ठीक है? u एंड v बोथ हैव x इन देम, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, कैन यू सेंस दिस गाइस, y is equal to x raised to sin x, ठीक है? इस तरीके का अगर आपका फंक्शन है तो आपको logarithmic differentiation लगाना है, ठीक है? What does logarithmic differentiation say? Logarithmic differentiation says that first take logarithm log to the base e on both sides. तो चलिए यहाँ पे करते हैं, y is equal to x raised to sin x guys, y is equal to x raised to sin x, दोनों तरफ log ले लेते हैं बच्चों, तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे log y टू द बेस ई, राइट हैंड साइड में क्या आएगा log x रेस टू साइन x टू द बेस ई। ये यहां तक क्लियर है बच्चों सब लोग, राइट? यस एब्सोल्युटली क्लियर, वेरी गुड गाइस, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, राइट? नाउ कैन आई राइट दिस एज log y टू द बेस ई, या कैन आई जस्ट सिंपली राइट दैट एज ln y, राइट? आई कैन, राइट? आई कैन सिंपली राइट दैट एज ln y, क्योंकि बेस तो e ही है। और राइट हैंड साइड पे कैन आई टेक यूज द प्रॉपर्टी power property and bring sin x out into ln x, right? Does this green equation make sense to everyone, right? Agar ye green equation sabko sense banata hai, now comes the step where you differentiate both sides with respect to x, theek hai? Differentiate both sides with respect to x bachcho, and when you do that left hand side becomes ln y ka derivative kya hoga, ln y ka derivative hoga 1 upon y, but kyunki wo x nahi hai, y hai, dy by dx aayega इन रूल, राइट? अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा आपको, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सो साइन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स इज 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, राइट? तो अगर आपको डीवाई बाई डी एक्स पूछा गया है तो ध्यान से देखो भाई, डीवाई बाई डी एक्स क्या है, डीवाई बाई डी एक्स इज
साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स कॉस एक्स, क्या ये वाली चीज दिख रही है बच्चों, राइट पहले ऑप्शन में। अब ये वाई जो है ऊपर जाएगा क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स पूछा है ना, वन अपॉन वाई डीवाई बाई डी एक्स नहीं पूछा, करेक्ट। तो वाई टाइम्स ऑल ऑफ दिस, वाई इज वॉट एक्स रेस टू साइन एक्स, तो एक्स रेस टू साइन एक्स ही तो लिखा है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कम ऑन गाइस, थैंक यू जागृति, यस इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग द थॉट प्रोसेस, वेरी गुड आस्था, ऑप्शन ए इंडीड इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड आकांक्ष, दक्षता, फंटास्टिक वर्क, यस ध्वनि एंड अ कपल मोर, यस यस काफी लोगों ने इसका आंसर दिया है, बहुत बढ़िया राइट गाइस। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स 2.0 में मैं इस पे और गहराई में चीजें सिखाऊंगा, मतलब द बेसिक कोर आइडिया स्टिल द सेम, ठीक है। तो आप जैसे आप देख पा रहे हो एक्स रेस टू साइन एक्स को आपने ऐसे डिफरेंशिएट किया, तो सिमिलरली आप साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स को भी ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। और फिर फाइनली जो भी डेरिवेटिव आता है दोनों का एडिशन हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो बोर्ड्स में ये टाइप के प्रॉब्लम्स जो है काफी पसंद करते हैं एग्जाम सेटर्स, ठीक है। तो इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, दिस इज एक्सपोनेंशियल एंड यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद द वेरिएबल जिससे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्वेश्चन टू में वही चीज है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो सीबीएसई 2013 में 4 मार्क के लिए आया था, देन अगेन दिस इज इम्प्लिसिट, अगर आप ध्यान से देखें ना, नॉट इम्प्लिसिट एक्चुअली, यहाँ पे आपको इम्प्लिसिट एंड लॉग दोनों लगाना पड़ेगा। तो एक्सप्लोर दिस, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम अगेन, आई थिंक ये भी एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है, I think even this is a past year question, not sure about the year, but this is a PYQ, even this is, यहाँ पे वापस smart substitution करना है, right? अब यहाँ पे substitution क्या करना है ये मैं बता देता हूँ, x को cos theta डालना है या तो sin theta डालना है, ठीक है। Either ways you will get the answer, figure out कि किस तरीके से you know simplify होगा, बहुत simple चीज आ जाएगी और उसके बाद dy by dx का value निकाल सकते हो, one of those problems जहाँ पे inverse में trigonometry लगाना है ताकि derivative simple हो जाए, right? Again, one of those, I think even this is a past year question, 2010 if I am not wrong, right? Another simple question. तो assignment के कुछ problems है, subjective है, solve करके आपको काफी मजा आएगा और काफी ज्यादा मदद होगा बच्चों परसों के session के लिए। तो आज का session और कल का session बहुत अच्छे से revise करना, it will help you tremendously. Why? Because practice will make you perfect. We know that guys, but practice does indeed help you reach perfection. It's not only hard work, it's not only talent, it's smart work. And while doing that smart work, you have to practice, you have to hit the right buttons at the right time. Right guys, तो उसके लिए मैं मदद करने की कोशिश करता रहूंगा, बस आप ठंडा रखिए और पढ़ाई करते रहिए एक structured तरीके में, ताकि you know जो 19-20 का फर्क है वो हम फर्क ला पाए, और actually अगर हम 100 on 100 ला सकते हैं तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए जो हमें रोके 100 on 100 लाने से, राइट। ये स्लाइड को मैं काफी टाइम से देख रहा था, बट आज हमने काफी सारी चीजें देखी कि चेन रूल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एक चीज में चेन रूल लगा हुआ है, राइट। इम्प्लिसिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एक प्रॉब्लम यहाँ से, इनवर्स कुछ हद तक, बट इनवर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिगो के बेसिक आइडियाज समझने, ठीक है। एंड फाइनली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में और डेरिवेटिव्स 2.0 में करेंगे, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। द कंसेप्ट सेशन इज डन यस्टरडे, इनकेस अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज डू दैट, पिकमिक सेशन आज हो चुका है, ठीक है। Now it's the bari of the quiz session, जो परसों होगा वो session attend करने के लिए please आज और कल का दोनों sessions अच्छे से देख लीजिए, revise कीजिए, and you know take your preparation to the next level, be ready for the quiz session guys. Yes, strategy हम लोग use कर रहे हैं, strategy को you know ऐसे ही implement करते रहिएगा। चरण स्पर्श टू द विजन बोर्ड, कंसेप्ट सेशन हो गया है, क्लैरिटी आ गई है, आइडियाज क्लियर हो गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहेंस हो गए हैं, क्योंकि हमने काफी अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स किए हैं, फ्रॉम द एक्सरसाइजेस, मिसलेनियस एग्जांपलर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पास्ट ईयर क्वेश्चंस। नाउ वी टेस्ट आवरसेल्फ, वी चेक दैट वेदर दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू गेट एप्लीकेबल, इफ नॉट देन व्हाट आर माय चिंक्स इन द आर्मर, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, यही सब करने के लिए हम परसों क्विज सेशन में मिलेंगे। सो आई विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई विल बी एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू गाइस। तो देखते हैं बच्चों कितना प्रिपरेशन करके आप आते हो, क्योंकि क्वेश्चंस मैं इजी नहीं देने वाला। एज यूजुअल आई एम गोइंग टू टेस्ट यू बिकॉज द बोर्ड्स कैन टेस्ट यू, सो लेट्स डू दैट गाइस। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स में टुवर्ड्स द एंड बताने वाला था, बिल्कुल बताऊंगा। लाइव क्लासेस होता है बच्चों, एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट होता है, एंड वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड एक्सक्लूसिव इज बिकॉज कॉन्सेप्ट को सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं कि कॉन्सेप्ट अलग है, बट वही सेम कॉन्सेप्ट को जहां पे यहां पे मैं अभी एक
सेशन दे रहा हूँ कंसेप्ट सेशन के लिए, वहां पे मैं बहुत ज्यादा गहराई तक जाता हूँ। आई ट्राई एंड मेक श्योर कि हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अचीव हो, ताकि एप्लीकेशन करने में धीरे धीरे सब लोग एक एक कदम सक्सेस की तरफ बढ़ाते जाए। राइट, सो अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम मिलता है डिस्कस करने के लिए, डाउट सॉल्व करने के लिए भी। इंटरेक्शन विद द एजुकेटर वेरी इजीली बिकम्स 10 टाइम्स मोर एट द लीस्ट, क्योंकि यार यूट्यूब पे जो मैं जो आप अभी सुन रहे हो वो मैं 15 सेकंड पहले बोल चुका हूँ। इसका मतलब ये, देयर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप, जो आप लिखते हो चैट बॉक्स में वो मुझे प्रिज्यूम करना पड़ता है। ये सब सारी चीजें नहीं होती है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। उसका रीजन ये है कि यूट्यूब इज एन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म, यार इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म, बट वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। राइट, स्ट्रीमिंग इज नॉट दी वन थिंग दैट यूट्यूब डज, बट आर प्लेटफॉर्म इज टेलर मेड डिजाइंड फॉर यू गाइज, ताकि आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे तभी के तभी आप चीजें सुनोगे, तभी के तभी आप मुझे देखोगे लाइटनिंग स्पीड पे। हियर इज द वेबकैम, हियर इज द चैट बॉक्स, हियर इज द राइटिंग बोर्ड, एवरीथिंग सुपर स्मूथ स्पेशली मेड फॉर यू गाइस। साथ ही साथ आप क्वेश्चंस डाउट्स भेजने के लिए इमेजेस भी सेंड कर सकते हो। राइट, देयर विल बी लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, मतलब पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते टेस्टिंग होगी। आप ये चेक कर पाओगे कि आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट, यानी मुझे भी ये चीज समझ में आएगा कि किस बच्चे ने क्या आंसर दिया है, एंड वी कैन अकॉर्डिंगली मूव फॉरवर्ड। तो बेसिकली यार एक ऑप्टिमिस्टिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेहद मजा आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में। टेस्ट सीरीज और एनालिसिस होते हैं, क्योंकि बच्चों पढ़ने के बाद वेले रहने का कोई मतलब नहीं, टेस्ट करना बहुत जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक इज द डाउट सॉल्विंग सेशन। अनअकैडमी हैज दिस फीचर दैट एवरी 3 सेशंस के बाद चौथा सेशन इज अ कंपलसरी डाउट सॉल्विंग सेशन, मेकिंग श्योर कि आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहते, कंसेप्चुअल भी और जो है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, सो नो डाउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। ऑल यू गॉट टू डू इज डाउनलोड द ऐप, इंस्टॉल द ऐप, चूज द प्लस सब्सक्रिप्शन, चूज क्लास 12 एंड गेट द सब्सक्रिप्शन using the code GPLIVE. Yes guys, GPLIVE is the code that is going to take you towards the maximum possible discount, and as I had said at the start, use the 3-month subscription, 6-month which will be ideal for you guys. That's it from my side bachcho. Then like the video if you liked it, and if you loved it, please yaar share kijiye apne doston tak, 12th standard ke doston tak, taki zyada se zyada log iska fayda utha paye. Aur agar aap subscribe nahi kiye ho channel ko abhi tak, it's now the time to subscribe. Right guys, let's crack it, let's make 12th standard fun, happening and productive. जिंदाबाद, 100/100 मिल सकता है वो स्कोर, अगर आप चाहो तो, अगर आप ड्रीम करो तो, अगर आप मेहनत करो तो, और अगर आप स्मार्ट वर्क करो तो। GPLIVE is my code, use it to get the plus platform, क्योंकि plus platform is going to change your life, because it's the most important year of your life guys, shapes your career. GP signing off, tada, bye bye, take care, और परसों मिलेंगे क्विज सेशन के साथ जो काफी धमाकेदार होने वाला है। लव यू गाइज, बाय।